कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म सी इज इक्वल टू ए प्लस बी
where a and b, real numbers, and iota is equal to square root minus 1 is called a complex number and is represented by z. उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक नंबर है जो z is equal to a plus b iota के फॉर्म में है और उसमें जो a और b वो दोनों हकीकत ये दाद हैं और iota is equal to minus 1 square root minus 1 ये क्या है हमारे पास ये complex number है और इसको हम किसे represent करते हैं इसको हम z से represent करते हैं जैसे z is equal to a plus b iota जब भी हम किसी चीज का complex number मालूम करेंगे वो हमारे पास z is equal to a plus b iota के फॉर्म में होगा a की वैल्यू भी हमारे पास रियल नंबर में आएगी b की वैल्यू भी हमारे पास रियल नंबर होगी लेकिन उसके साथ क्या होगा वो हमारे पास iota होगा z is equal to a plus b iota a की वैल्यू भी रियल नंबर में b की वैल्यू भी रियल नंबर में लेकिन जो b वाली वैल्यू है उसके साथ क्या होगा iota होगा और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट c is equal to z z is equal to a plus b iota यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a plus b iota के फॉर्म में होगा a and b belongs to real number a and b जो होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे iota is equal to square root minus 1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में भी as it is पढ़ा था z is equal to a plus b iota a and b belongs to real number iota is equal to square root minus 1 is equal to iota ये क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेकिन यहाँ पे हमारे पास टू पार्ट्स और आ गए कि एक हमारे पास है कोई रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं जो ए वाली वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 3 + 4 आयोटा तो जो ए की वैल्यू होगी 3 होगी वो रियल नंबर होगा और जो बी की वैल्यू होगी वो इमेजिनरी नंबर होगा जैसे कि 4 आयोटा इमेजिनरी नंबर यानी कि ख्यालाती हिस्सा जी का किक हिस्सा जी का ख्यालाती हिस्सा जी जी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर जी इज इक्वल टू ए यानी कि जो जी का रियल नंबर होगा वो ए वाली वैल्यू होगी जो जी का इमेजिनरी नंबर होगा वो बी वाली वैल्यू होगी इसका आगे हम एक डायग्राम बना के हम पढ़ते हैं कि इसके नेक्स्ट कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम बनी नजर आ रही है नंबर दिखे हैं सबसे पहले इन नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अभी भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये z इज इक्वल टू a प्लस b iota के फॉर्म में है ये रियल नंबर्स होते हैं रियल नंबर में हमारे पास टू फॉर्म्स आ जाती है एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं रियल नंबर एक के किरदार इमेजिनरी नंबर एक के किरदार देता जिसको हम लोग फिर ख्याल कर सकते हैं वो हमारे पास रियल नंबर नहीं होते और ये आयोटा के फॉर्म में होते हैं रियल नंबर की टू अवे टाइप्स हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो प्योर टू के फॉर्म में लिखे जाते हैं यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो हमारे पास प्योर क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है रैशनल नंबर में क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं होगा ये हमारे पास रैशनल नंबर में नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा लेकिन इरेशनल में क्यू इज इक्वल टू जीरो ये स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जैसे पाई स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास स्क्वायर रूट में हो या जितनी स्पेसिफिक वैल्यूज हों वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर और ऐसे नंबर जो प्योर क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं कौन से नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं प्योर क्यू के फॉर्म में जैसे 6/3 6/5 9/2 नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स रैशनल नंबर एंड इंटीजर्स के नंबर पास हमारे पास क्या है इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं जो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फॉर्म्स में होते हैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर में होते हैं हमारे पास 100 नंबर होते हैं पूरे यानी कि 0 से स्टार्ट काउंटिंग होती है वो और बढ़ाने चलती जाती है तो खत्म नहीं होती इंटीजर्स क्या होते हैं जो पॉजिटिव की शक्ल में भी होते हैं और नेगेटिव की शक्ल में भी होते हैं ऐसे होल नंबर जो पॉजिटिव भी हों एंड नेगेटिव भी हों वो क्या होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स की टाइप क्या है होल नंबर इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाते हैं होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट फॉरवर्ड ये चलते जाते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं कैसे नेचुरल नंबर जो नेगेटिव और नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं उन्होंने यहाँ पर कौन सी टाइप दिए नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी डिस्कस कर लिया हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर भी डिस्कस कर लिया नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर्स जब हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने भी डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं हमने
इसकी डेफिनेशन है इफ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा, यानी कि अगर आयोटा पॉजिटिव में होगा तो उसको नेगेटिव में और नेगेटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। इन z इज इक्वल टू a प्लस d आयोटा वी ओब्टेन एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस d आयोटा। z प्लस z इज इक्वल टू a प्लस d आयोटा को z बार इज इक्वल टू a माइनस d आयोटा कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z एंड इज डोनेटेड बाय z बार। रीड z बार, जब भी हम किसी चीज का कंजुगेट फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस d आयोटा के फॉर्म में दिया होगा। यहाँ पे अगर a प्लस d आयोटा जब c बार फाइंड करेंगे तो a माइनस d आयोटा हो जाएगा। हमने सिर्फ आयोटा की वैल्यू वाले साइन चेंज करने हैं, जो रियल नंबर होंगे उनके साइन चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा, अब इसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट पर कैसे फाइंड करेंगे, c बार किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c बार इज इक्वल टू माइनस वन एज इट इज प्लस आयोटा। यहाँ पे नेगेटिव आयोटा था, यहाँ पर पॉजिटिव आयोटा, तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, हमारे पास कर दिया है कि जहां पर आयोटा की वैल्यू पॉजिटिव में होगी वहां नेगेटिव में, जहां नेगेटिव में होगी वहां पॉजिटिव में, तो उसको क्या फाइंड हो जाएगा, वो कंजुगेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 बहुत इजी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, हमने सारे कॉन्सेप्ट इसे क्लियर कर लिए हैं, आगे हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसकी एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट, हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। हमने पहले इंटीग्रल पावर्स पढ़ेंगे कि हम उनकी पावर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आयोटा को। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 7। हमने पढ़ा था कि जहाँ पे इवन या ऑड, यहाँ पर ऑड होगी वहाँ पर हम उसको स्केयर बना के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे उसकी वैल्यू माइनस वन हो जाए, और अगर यहाँ पर 7 आयोटा होगा तो एक आयोटा सेपरेट कर लेंगे। 2, 3, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आयोटा से वैल्यू क्या है, माइनस वन रेज टू पावर 3 एज इट इज आयोटा। माइनस वन को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले इसको पढ़ा था कि जहाँ पर ऑड नंबर होगा वहाँ पर अगर नेगेटिव का साइन होगा तो आंसर में नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव का साइन हो, नेगेटिव का साइन हो और ऊपर इवन नंबर हो तो वहाँ पर आंसर में पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू माइनस वन रेज टू पावर 3 एज इट इज 1 आयोटा हमने सेपरेट कर लिया था क्योंकि हमने इसका स्केयर बनाना था जो आपस में मल्टीप्लाई हो सके। माइनस वन जब 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन एज इट इज माइनस वन को तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा। इसी तरह सेकंड पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 15 आयोटा स्केयर सेपरेट कर लिया, स्केयर का जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 टू द 50 अगेन 50 आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन 25 एज इट इज माइनस वन को 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर में माइनस आएगा अगर क्वेश्चन में उसके साथ माइनस हो वैल्यू के साथ। थर्ड पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 12, जब आयोटा का स्केयर बना रहे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आए, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा, 2, 6, 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन रेज टू पावर 6 एज इट इज माइनस वन को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास पॉजिटिव वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन में वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन पार्ट है इसका माइनस आयोटा रेज टू पावर 8। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस एज इट इज आ जाएगा आयोटा, स्केयर हमने सेपरेट कर लिया, स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आएगा, स्केयर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 4 टू द 8 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी माइनस एज इट इज, क्वेश्चन तो माइनस एज इट इज, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 रेज टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 इवन नंबर है, अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता तो 1 नहीं आना था माइनस आना था अगर क्वेश्चन में वैल्यू के साथ माइनस होता। फिफ्थ पार्ट है माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। फिफ्थ पार्ट है माइनस आयोटा रेज टू पावर 5 माइनस एज इट इज आयोटा स्केयर सेपरेट कर लिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5 के 5 की छोटी वैल्यू आई, 2 के टेबल पर 5 नहीं आता, 2 टू द 4 1 आयोटा सेपरेट कर लिया माइनस एज इट इज क्वेश्चन वाला, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2 आयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज रेज टू पावर 2 आयोटा, 1 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 को जब आयोटा का मल्टीप्लाई